मेरा नाम लुइस फिचर है मैं 1942 में महात्मा गांधी से मिलने उनके आश्रम पहुंचा महात्मा गांधी उस समय काफ़ी एनर्जेटिक इंसान थे काफ़ी फेमस थे लेकिन फिर भी सादगी से जीवन बिताया करते थे मैंने उनसे पूछा कि गांधी जी फाइनली अंग्रेज जो है इस देश को छोड़ के जा रहे हैं तो आपने ये अंग्रेजों को बाहर निकालने की जो सोच थी जो इंस्पिरेशन था इसकी स्टार्टिंग इसकी बिगनिंग कैसे हुई ये बात तब की है जब 1916 में मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक एनुअल कन्वेंशन में गया वार्षिक समारोह जो लखनऊ में होना था वहां पे 2301 डेलीगेट्स आए थे और हजारों दर्शक उन हजारों की भीड़ में से एक व्यक्ति मेरे पास चल के आता है गांधी जी हमारा नाम राजकुमार शुक्ला है हम चंपारण से आया हूं हम आपको चंपारण ले जाना चाहता हूं महाराज चंपरन ये कहाँ पड़ता है भाई अरे ये हिमालय के नीचवा है नेपाल का जो बॉर्डरवा है ना हाँ वहीं पड़ता है महाराज देखिए भाई शुक्ला जी मुझे फिलहाल कानपुर जाना है और भी बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स में जाना है और मुझे काफ़ी काम है मैं आ नहीं पाऊँगा पॉसिबल नहीं है लेकिन बात क्या है आखिर आप चंपारण क्यों ले जाना चाहते हो मुझे अरे कहा बताइए गांधी जी हम लोगों के साथ ही ज़मींदार लोग इतना अत्याचार करता है इतना अत्याचार करता है महाराज ये ज़मींदारी प्रथा से हम, लोग हम लोगों को मुक्त कराइए महाराज हम लोगों को मुक्त कराइए किसी ने हमसे कहा था कि हमारी प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है महाराज इसीलिए आपके पास आए हैं नहीं नहीं आप शायद गलत जगह आ गए हैं मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ आप किसी और को ले जाइए महाराज अगर आप नहीं चलेंगे तो हम आपके पीछे पीछे चलेंगे फिर राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पीछे पीछे हर राज्य में चलने लग जाता है राजकुमार शुक्ल की इस लगन को इस डिटर्मिनेशन को देख के गांधी जी बड़े इंस्पायर हो जाते हैं मोटिवेट हो जाते हैं देखिए शुक्ला जी फलाना फलाना डेट को मुझे कलकत्ता जाना है उसके बाद मैं फ्री हूँ फिर तुम तो मुझे जहाँ मर्जी वहाँ ले जाना कुछ महीने बाद राजकुमार शुक्ल उसी जगह उसी स्थान पे गांधी जी का इंतजार कर रहा होता है चलिए महाराज चलिए अरे भाई फ्री तो हो जाने दे फ्री होने के बाद दोनों जने बिहार के एक ज़िले पटना के लिए ट्रेन पकड़ते हैं महाराज यहीं पटना में राजेंद्र प्रसाद जी का घर है अगर आप कहें तो वहाँ भी चल लीजिए उस समय राजेंद्र प्रसाद एक वकील थे और आज़ाद हिंदुस्तान के वो कौन थे आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा राजेंद्र प्रसाद जी घर पे हैं अरे वो बाहर गए हैं काम बोलो मिलना था उनसे अरे तो फिर आ गया यार तूने राजेंद्र प्रसाद जी को परेशान कर रखा है अभी टाइम लगेगा चल बाहर इंतज़ार कर ले जमीन पर बैठ के अब दोनों जने जो हैं ज़मीन पर बैठ जाते हैं गांधी जी को थोड़ी देर बाद प्यास लगती है तो गांधी जी वहीं उसी घर के पास कुआं होता है तो वहाँ पानी पीने जाते हैं ओ हीरो क्या कर रहा है बे पीछे हो पीछे हो अरे पानी पीना है मुझे अरे पीछो यार अच्छा हुआ मैंने देख लिया अबे यार अगर तू बाई चांस एक हल्की सी भी बूंद इस कुएं में गिर जाती तो पूरा पानी खराब हो जाता बेवकूफ़ पीछो मैं पिलाऊंगा पानी तो गांधी जी को जब दूर से पानी पिलाया जाता है तो गांधी जी को ऑकवर्ड लगता है गांधी जी पूछते हैं राजकुमार शुक्ल से कि क्या सीन है यार ये अरे गांधी जी वो आपको अनटचेबल समझ रहा है आप हमारे साथ आए हैं ना हम निचली जाति के हैं इसीलिए हमको ज़मीन पर बैठाया है और कुएँ से पानी नहीं पीने दिया अनटचबलिटी क्या होता है ये गांधी जी बताएंगे कभी तसल्ली से आपको उसके बाद गांधी जी मुजफ्फ़रपुर जाने का फ़ैसला करते हैं और गांधी जी जे बी के प्लानी को एक लेटर लिखते हैं डियर जे बी हम आपके पास आ रहे हैं जे बी गांधी जी से पहली बार शांति निकेतन स्कूल में मिले थे पंद्रह अप्रैल नाइनटीन को आधी रात में ट्रेन मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुँचती है उस स्टेशन पे स्टूडेंट्स की भीड़ देखकर गांधी जी इंप्रेस हो जाते हैं वो कुछ दिनों तक प्रोफेसर मलकानी के घर पे रहते हैं जो उस समय एक अनयूजल बात थी क्योंकि एक सरकारी नौकर एक वकील को अपने घर पे रख रहा है यह कहीं ना कहीं सरकारी नौकर के लिए उसकी नौकरी खतरे में पड़ने वाली बात थी तो एक अनयूजल बात थी क्योंकि उसका जॉब रिस्क पर था अब देखते ही देखते गांधी जी बहुत फेमस हो जाते हैं मुजफ्फरपुर से लेके आसपास के सभी इलाकों में ये बात फैल जाती है कि कोई महात्मा आए हैं हमारी परेशानियों का समाधान करने के लिए अरे गांधी जी हमार मदद कर दीजिए महाराज महाराज हमारी भी सुन लीजिए ए गांधी अरे हमार सुना हो रुकिए रुकिए मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है और वैसे भी आपकी प्रॉब्लम ये वकील लोग भी तो सॉल्व कर लेते अरे काहे के वकील भैया ये वकील इतनी हाई फीस लेते हैं हम कहाँ जाएंगे अच्छा जी इतनी हाई फीस एक बार बताओ वकील हो कि ये गरीब लोग तुम्हारे कोर्ट वोट में आना बंद कर दें क्या ये सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाए ये कोर्ट इतनी फीस लेते हो बदतमीज तुम लोग बताओ तुम लोग बताओ आखिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों है आखिर सीन क्या है गांधी जी हम आपको बताते हैं क्या सीन है सीन है इंडिगो नील दरअसल क्या होता है हमें अपनी ज़मीन पे इंडिगो उगानी पड़ती है जबरन एज अ टैक्स और ये नील जो है इंडिगो यहाँ से ब्रिटेन जाता है और ब्रिटेन से जाता है ये जर्मनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जर्मनी वालों ने सिंथेटिक केमिकल इंडिगो उगा लिया और उन्होंने ब्रिटेन से कहा कि अब से इंडिगो नहीं चाहिए इसका मतलब ये है कि अब इंडिया में इंडिगो उगाने की जरूरत नहीं है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी लेकिन इन जमींदारों ने महाराज बहुत तेज हैं साले इन जमींदारों ने क्या किया इन जमींदारों ने कहा कि अगर तुम्हें इंडिगो नहीं उगानी है तो हमें कुछ मुआवजा दे दो अब महाराज हमें क्या पता जर्मनी में ये सीन चल रहा है हम सब लोगों ने मुआवजा दे दिया महाराज मुआवजा दे दिया लेकिन मुआवजा देने के बाद हमें पता चला कि अगर हम मुआवजा नहीं देते उसके बावजूद भी हमें इंडिगो नहीं उगाना था तो महाराज हमको हमारा पैसा दिलवा दो महाराज हमको हम सब पैसा दिलवा दो ओके ओके मैं समझ गया चलो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन ये तो बहुत आसान मामला है क्या सीन है ये ये गरीब किसानों का पैसा तुम क्यों नहीं देते हो तो कौन है बे मैं मैं मोहनदास करमचंद गांधी ओ मोहनदास करमचंद गांधी कौन है ये अरे मैं हूं छोड़ो कौन है ये इन गरीब लोगों पैसा तुम देते क्यों नहीं हो ओ भाई सुन हम बाहर वालों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते पैसा तो दूर की बात है हम तो ये क्यों बताए क्यों नहीं दे रहे ओ भाई सुन अंग्रेज की औलाद बाहर वाला तू है मैं नहीं समझा चुपचाप इन सब लोगों का पैसा दे दे वरना मैं कमिश्नर के पास जाऊंगा अच्छा कमिश्नर के पास जाओगे जाओ कमिश्नर के पास चले जाओ अब गांधी जी जो हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से कमिश्नर के पास जाते हैं हाँ भाई कमिश्नर साहब इन गरीब किसानों का पैसा मारा गया मैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन गया तो वहां के लोग कुछ सुनने को राजी नहीं है आप तो सुनिए अबे ओ सुन क्या नाम बताया तूने जी मोहनदास करमचंद गांधी ओ मोहनदास करमचंद गांधी चुपचाप निकल ले जल्दी जल्दी ये स्टेट छोड़ के चला जा बनना बहुत बुरा होगा देखिए आप मुझे धमकी दे रहे हैं आ, दे नहीं रहे हैं दे दिया चलो निकलो देखो मैं जो है अब तो नहीं जाने वाला मैं जो है यहीं रुकूंगा इन सभी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके ही जाऊंगा अब गाइस अगर आप देखें तो कमिश्नर और गांधी जी की बहुत ज्यादा बच जाती है गांधी जी उसके बाद मोतिहारी जाते हैं मोतिहारी चंपारण के ठीक बगल में है मोतिहारी में एक घर लेते हैं हेडक्वार्टर के रूप में कि मैं यहीं बैठ के सारी चीजें देखूंगा अब गांधी जी के पास रोज लोग आ रहे हैं कुछ ना कुछ बता रहे हैं उन्हीं में से एक आता है गांधी जी गांधी जी अरे पास के गांव में एक गरीब किसान के साथ बहुत अत्याचार हुआ है गांधी जी अए हो आप चलिए गांधी जी खुद देख लीजिए अब अगले सुबह गांधी जी हाथी पर बैठ के उस गाँव में जाते हैं तभी पुलिस सुप्रिटेंडेंट का एक मैसेंजर उनको रोकता है ओ होशियार नीचे उतर बे आप कौन अरे नीचे उतरो यार नीचे उतरो आई देखो तुम्हारे नाम का वारंट निकला है चुपचाप ये चंपारण स्टेट छोड़ के चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा गांधी जी लेटर ले, ले लेते हैं और लिख देते हैं रिसीव्ड देखा हम कहे थे ये चला जाएगा और फिर लिखते हैं डिसोबे अबे डिसोबे लिख दिए हाँ जाओ मैं इस बात को नहीं मानता और गाइस यहीं से सिविल डिसोबेडेंस सविन्य अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग होती है गांधी जी पहली बार किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को ऑफिशियल नोटिस को डिसोबे कर देते हैं गवर्नमेंट की बात को नहीं मानते हैं अगले दिन कोर्ट से गांधी जी के पास समन आता है कि भैया आपको कोर्ट आना है कल और गांधी जी अपने सभी दोस्तों को लेटर या तार भिजवा के बुलाते हैं अगली सुबह मोतिहारी कोर्ट में भीड़ लग जाती है पूरा मोतिहारी कोर्ट ब्लैक हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वहां पे गरीब किसानों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं और गांधी जी देख के खुश हो जाते हैं यार कितनी भीड़ आई है मेरे लिए भाई अंग्रेजों की फट जाती है आंखें क्योंकि इतनी भीड़ तुम्हारे लिए आई है हाँ शांत कराओ इसको तो गांधी जी जो हैं उस भीड़ को शांत कराने में हेल्प करते हैं अब इतनी भीड़ देख के उनको लगता है कि यार मीटिंग पोस्टपोन करनी चाहिए फैसला पोस्टपोन होना चाहिए तो लॉयर्स कहते हैं गांधी जी समय लगेगा और तब तक जो है पोस्टपोन कर देते हैं नहीं नहीं पोस्टपोन नहीं होगा जो होगा आज ही होगा अच्छा तो देखो गांधी जी आ, कुछ घंटे लगेंगे तब तक आप जेल चले जाओ या जमानत दे दो एक काम करो जेल के जाओगे जमानत दे दो नहीं नहीं मैं जमानत नहीं दूंगा मुझे जेल भेज दो अच्छा गांधी जी आ, Uh, mm, क्या बोलें गांधी जी गांधी जी फैसला बाद में होगा तब तक आप फ्री हो और गांधी जी को फ्री छोड़ दिया जाता है शाम को राजेंद्र प्रसाद किशोर बाबू मौलाना आज़ाद और बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं गांधी जी पूछते हैं अगर आज मैं जेल चला जाता तो तुम लोग क्या करते गांधी जी हम लोग अरे हम लोग अपने अपने घर <laughs> चले जाते अबे ये कोई बात है इन गरीब किसानों को क्या होता ये गरीब किसान ऐसे ही मरते रहते यार ये बंदा कितना अलग है यार हम तो इस इसी यूपी से रहते हैं इसी यूपी बिहार में रहते हैं उसके बावजूद भी हम इन किसानों के बारे में नहीं सोचते और ये कहीं और से आए हुए इन गरीब किसानों के बारे में सोचते हैं फिर वो लोग बोलते हैं गांधी जी अगर आप जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे ओके okay, तो अब समझ लो चंपारण की लड़ाई हम जीत चुके हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन कुछ दिनों बाद गांधी जी के पास एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप चंपारण में जितनी देर तक चाहें रह सकते हैं आपको कोई रोकेगा नहीं और गाइज ये पहली बार डिसोबिडेंस जो हमने बताया साइन किया साइन गांधी जी ने डिसोबिडेंस पहली बार जीत जाता है गांधी जी की लेफ्टिनेंट गवर्नर से कई बार मुलाकात होती है काफ़ी मुलाकातों के बाद एट लेफ्टिनेंट गवर्नर मान जाता है कि कमीशन बनना चाहिए और कमीशन में रखा गया एक गांधी जी को एक जमींदार कोर एक अंग्रेज़ को ये सोचा गया कि एक ज़मींदार और अंग्रेजों के सामने कोई क्या ही मुँह खोलेगा लेकिन गांधी जी उस समय सभी को मोटिवेशन दे चुके थे सभी को जो है आत्मनिर्भर सभी को जो है विश्वास का पाठ पढ़ा चुके थे और सभी को बता चुके थे तुम्हारे पास योद्धा हैं वो तुम खुद हो बस तुम सच का साथ दो सत्य और अहिंसा की लड़ाई गांधी जी यूपी बिहार में सिखा चुके थे तो जैसे ही वो कमीशन हर गांव में जाता है तो उनको बोरा भर भर के सबूत मिलता है एट द एंड गांधी जी के पास बहुत ज़्यादा सबूत हो जाता है और गांधी जी कहते हैं हाँ भाई अब हमें पैसा दे दो अब सबको लगता है गांधी जी सारा पैसा मांगेंगे एक काम करो अब हमें बस पचास परसेंट दे दो अबे पचास परसेंट ये पचास परसेंट में मान जाएगा एक काम करो पच्चीस परसेंट बोल के देखो गांधी जी हम आपको पच्चीस परसेंट देंगे लो पच्चीस परसेंट दो गांधी जी पच्चीस परसेंट में मान जाते हैं गांधी जी सबको सिखाते हैं कि अमाउंट जो मिला है हमें पैसा वो कम इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है कि अंग्रेज़ लोग पैसा दे रहे हैं गांधी जी वहाँ पे कई साल रहते हैं गांधी जी वहाँ पे सामाजिक पिछड़ेपन को आपको पता होगा वो अनटचबिलिटी अछूत की बात जो राजकुमार शुक्ला ने कही थी तो गांधी जी वहाँ पे लोगों को इक्वलिटी का पाठ पढ़ाते हैं वो पिछड़ी जाति को हरिजन कहते हैं टीचर्स जैसे महादेव देसाई ठीक है बहुत सारे टीचर्स जो हैं आते हैं पारी खाता है ताकि वो सिखा सके बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन हेल्थ के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं गांधी जी और उनकी वाइफ भी वहाँ आती है अब गांधी जी की वाइफ एक बार देखती हैं कि एक औरत तो सिर्फ एक ही साड़ी पहनती है तो उनसे पूछते हैं कि आप एक ही साड़ी क्यों पहनते हो तो कहते हैं मेरे पास एक ही साड़ी है ये दिखाता है कि वहाँ पर कितना पिछड़ापन है गांधी जी वहाँ पर कई टाइम तक रहते हैं और उसके बाद जो है उसको अलविदा कह देते हैं वहाँ पर सामाजिक बुराइयों को ठीक करने के बाद अब गाइज ये चैप्टर खत्म हो जाता है लेकिन इसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी है आइए उसको एक बार देख लेते हैं गांधी जी मेरा नाम है चार्ल्स फियर एंड्रूज गांधी जी हम भी तुम्हारे साथ इस चंपरण की लड़ाई में लड़ना चाहते हैं नहीं इस लड़ाई को मैं और मेरे भारतवासी खुद लड़ लेंगे देख लो गांधी जी हाँ हाँ देख लिया अरे गांधी जी तुम पगला गए हो का इस अंग्रेज को ले लेते तो हमारी पावर नहीं बढ़ जाती नहीं यही तुम्हारी सोच गलत है अगर ये अंग्रेज हमारे साथ आता तो क्या मैसेज जाता कि हम अपनी लड़ाई में अंग्रेजों को शामिल कर रहे हैं क्या हम इतने भी सक्षम नहीं हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें गांधी जी इस तरीके से तुमने तो सोचा ही नहीं आप महान हो गांधी जी आप महान हो बस 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 हो गया हो गया मैं महान नहीं हूं जिसने वीडियो बनाई है वो अच्छा आदमी है तो बाल को लाइक कर देना शेयर कर देना और कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस पर चलेगी तब तक लिए जय हिंद जय भारत बाय बाय टेक केयर गुड नाइट